हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओम चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो यहाँ पे आज दो अदानी ग्रुप के स्टॉक के रिजल्ट आए हैं, ठीक है। एक अदानी पावर एंड अदानी एंटरप्राइजेस। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को अदानी पावर में फोकस करना है। देखो यहाँ पे 50,000 लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ओके। दो दिन पहले रखा था, क्लियर बताया था कि अदानी पावर पर आपको फोकस करें, वहाँ पर ट्विस्ट आ सकता है। और मेंबर्स देखो ट्विस्ट कैसा आया। सी, अदानी पावर का प्रॉफिट 83% जम करता हुआ दिखाई दिया। अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट अदानी पावर ने मेंशन किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या इसकी वजह से रॉकेट बनेगा, ठीक है, क्या अभी लेना सही रहेगा, और अगर लेते हैं तो टारगेट क्या हो सकते हैं। क्लियर, तो देखो ये सभी चीज़ें बताऊँगा, दोनों अदानी ग्रुप के बारे में बताऊँगा, बाकी अदानी में क्या करना है और कुछ न्यूज़ है जो आप लोगों को फोकस करनी है। क्लियर, लेकिन अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, स्टॉक मार्केट फंडा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा। क्लियर, चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पॉइंट पे आ जाता हूं मैं। अगर मुझसे पूछें सर क्या ये स्टॉक कल रॉकेट बनेगा, चांसेस कम है, ठीक है। क्यों चांसेस कम है, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट ये रिजल्ट आ चुके थे, क्लियर, इंक्लूडिंग अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पावर, ड्यूरिंग द मार्केट ये रिजल्ट आ चुके थे। हालांकि कभी कभी एनालिसिस बाद में होती है, कभी कभी स्टॉक रिजल्ट लाइव मार्केट में आने के बाद भी नेक्स्ट डे को बड़ा मूव करता है, क्लियर, क्योंकि बड़े प्लेयर्स रिजल्ट को डिटेल में फॉलो करते हैं, उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम आती है। लेकिन फॉर मी, मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी इतना बड़ा मूव नहीं आएगा, पता है क्यों। बड़े प्लेयर्स कभी भी अगर कोई स्टॉक रिटेल निवेशक की नज़र में हो या सेबी के नज़र में हो तो इतना जल्दी वर्टिकल मूव नहीं करवाता। ध्यान से सुनना जो बोलो। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि मान लो कोई कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, बहुत फाड़ू आते हैं, और स्टॉक 10% 20% की अपर सर्किट मारता है। आई एम श्योर आप लोगों ने ऐसे स्टॉक्स देखे होंगे, ठीक है ना, देखे होंगे डेफिनेटली। लेकिन ये सिनेरियो अदानी ग्रुप में अप्लाई नहीं होता डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि ये स्टॉक रिटेल निवेशक प्लस सेबी की नज़र में है। अगर इतना वॉलेटाइल करवाएंगे तो भाई संसद में भी हंगामा हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं, ओके ना। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कल ये मूव नहीं करेगा। रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे हैं, लेकिन आप ये समझो यहाँ से फॉल आने की चांसेस भी नहीं है, यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस है। लेकिन कैसे जाएगा, देखो यहाँ पे ये कैसे गया था, थोड़ा 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 करके गया था ना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा। आई बात समझ में, ओके। पॉइंट पे आ जाता हूँ सर, पहले रिजल्ट बताओ, रिजल्ट कैसे है। हम लोगों ने सुना है कि रिजल्ट में ट्विस्ट है, अदर इनकम है, डेफिनेटली मेंबर्स रिजल्ट में ट्विस्ट है। देखो ट्विस्ट क्या है, मैं यहां पे ये बता देता हूं। अदानी पावर, देखो ये है अदानी पावर, 7 की PE पे ट्रेड करता है। अदानी का सबसे सस्ता स्टॉक जो अकेला 7 की PE पे ट्रेड करता है। अगर अदानी एंटरप्राइज देखोगे 104 की PE। और ट्विस्ट क्या है, तो कि इसमें जो इनकम आई है वो अदर इनकम 7,000 करोड़ की है। देखो यहां पर यह अदर इनकम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हालांकि काफी हद तक बेटर है क्वार्टर टू क्वार्टर, लेकिन ये 2 ईयर बेसिस पे वीक है, ओके ना। मार्जिन अगर आप देखोगे तो ये 2 ईयर बेसिस पे 42% से कम होके 32% आए हैं, यानी कि अदर इनकम ज्यादा सपोर्ट किए, इसकी वजह से अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मेंशन हुआ है, क्लियर। तो देखो अदर इनकम इतनी जल्दी या इतनी बड़े मायने नहीं करते, लेकिन अब देखो ट्विस्ट यहां पर भी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये ट्विस्ट यहां पर भी है। अब देखते हैं कि सर अदर इनकम आई कहाँ से है। तो अदर इनकम आई है वन टाइम रिकॉग्निशन से, आप ये समझो कि लेट पेमेंट सर्च का, लेट पेमेंट सरचार्ज, ठीक है, एक कोई रेवेन्यू है, वन टाइम रेवेन्यू है, उसका पेमेंट आया है, और लेट पेमेंट सरचार्ज की वजह से यहाँ पे आपको रेवेन्यू फाइनल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ओके। अब वन टाइम रेवेन्यू कहाँ से आया, देखो यहाँ पे ये वन टाइम रेवेन्यू आया बांग्लादेश से। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में पावर इंस्टॉल किया है, जैसे कि इंडिया में गुजरात में या महाराष्ट्र में अदानी पावर आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिटी, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे अदानी का पावर प्लांट स्टार्ट हो चुका है, रेवेन्यू जनरेट करना अभी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे फर्स्ट प्री पीरियड रेवेन्यू आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे गोधा अल्ट्रास सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट वहां पे स्टार्ट हो चुका है, और ये जो पावर जनरेशन है यहां से है, देखो यहां पे 30 जून 2022 से लेके 30 जून 2023, यानी कि एक साल, ठीक है, जो इंस्टॉल कैपेसिटी की थी उसका कुछ वन टाइम रेवेन्यू आया है यहां पे अदानी ग्रुप पे,
क्लियर। अब देखो मोटा मोटा आप ये समझो, ये भले आपको वन टाइम रेवेन्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रेवेन्यू फाइनल आगे चल के, आप ये समझो आने वाले 2-3 क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू यहाँ पे प्रॉपरली आपको दिखाई देगा, और इनका जो फाइनल प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पे ही आता हुआ दिखाई दे सकता है। आई बात समझ में? मोटा मोटा ये समझो कि एक साल का कुछ रेवेन्यू था, एक साल का कुछ प्रॉफिट था जो यहाँ पे टेस्टिंग किया गया था बांग्लादेश के अंदर, वो फाइनल आपको अदर इनकम के अंदर दिखाई दिया है। ठीक है, जैसे ही प्रॉपर वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा प्लांट, या तो प्रॉपर आउटपुट देना जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, उसका सेल्स, उसका एक्सपेंडिचर, उसका प्रॉफिट, वो सब कुछ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है शॉर्ट एंड सिंपल में। क्लियर? तो लॉन्ग टर्म के अंदर इसका फाइनल रेवेन्यू भी बढ़ेगा, फाइनल प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसी की वजह से मैं आपको बोला था कि ट्विस्ट क्या है, भले आपको अदर रेवेन्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन फाइनल आपको इसका प्रॉफिट ईयर टू ईयर बेसिस पे, क्वार्टर टू क्वार्टर आपको इंक्रीज ही होता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई? ओके, अगला पॉइंट आ जाता है। अब देखो अदानी जो पावर है ना, ठीक है, उसमें जो ज्यादातर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है वो ये पावर प्लांट है, आप ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पीएलएफ जो है ना, लोड फैक्टर, ठीक है, अदानी पावर का 63-64% अप्रोक्सीमेटली है जहां तक मैंने सुना है, जो काफी हद तक पॉजिटिव है। क्लियर? तो ऑल इन ऑल अदानी ग्रुप या अदानी पावर का रेवेन्यू काफी सॉलिड है और कमेंट्री भी काफी हद तक सॉलिड है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बिग न्यूज आप सभी जानते हैं, शायद मॉर्निंग में सुन ली होगी कि अदानी ने सांघी इंडस्ट्रीज को एक्वायर कर लिया है। अब देखो ये न्यूज है अंबुजा सीमेंट के लिए, ठीक है, तो मोटा मोटा आप ये समझो, देखो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इतना बड़ा एक्विजिशन, वो भी ओपनली फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये न्यूज भी काफी तक पॉजिटिव है। और एक्विजिशन क्यों किया है, तो कि अदानी ने ये बोला है कि अदानी का जो फ्यूचर प्लान है कि अंबुजा की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, सीमेंट प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज करना है, उसी की वजह से सांघी इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया है। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे पैसे कहाँ से आए, क्या डेट से आए, तो भाई वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। एंड एक और बात बताना चाहूँगा जो आपको फोकस करनी चाहिए रिटेल निवेशक, कि सांघी इंडस्ट्रीज पिछले 4 क्वार्टर से लॉस करती हुई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये थोड़ा नेगेटिव है अंबुजा सीमेंट के लिए, अगर ये पॉजिटिव होता तो आज अंबुजा सीमेंट कम से कम 10 से 11% ऊपर भाग जाता, लेकिन ये लॉस मेकिंग कंपनी है, थोड़ी बहुत इसकी वजह से अंबुजा सीमेंट भागता हुआ नहीं दिखाई दिया। क्लियर? लेकिन देखो आप सभी जानते हैं कि अदानी के जो क्लाइंट्स है, ठीक है, अदानी अदानी के कौन क्लाइंट्स आप सभी जानते हैं, तो अदानी के जो क्लाइंट्स है, गवर्नमेंट हो गया, दूसरे हो गए, उसकी वजह से इनका जो प्रोडक्शन होगा वो काफी तक हेल्पफुल रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो आपको चाहिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये सांगी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कर देगी, प्रॉफिट तो वो लोग जनरेट कर ही लेंगे अदानी ग्रुप वाले, तो इसी की वजह से ये न्यूज भी पॉजिटिव आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड तीसरा हो जाते हैं अदानी एंटरप्राइसेस। अब देखो मैं आपको सभी स्टॉक के लेवल्स जल्दी बता दूंगा, पहले सुन लो कि अदानी एंटरप्राइज में है क्या। वन क्वेश्चन, सर अदानी एंटरप्राइज का रेवेन्यू आधा हो चुका है ऑलमोस्ट, क्या ये नेगेटिव है? मैं बोलूंगा एन ओ नो, ये नेगेटिव नहीं है। सुनो ध्यान से, क्यों नेगेटिव नहीं है? क्योंकि रेवेन्यू जो फॉल हुआ है 38% का, उसका रीजन है कोल प्राइसेस। ठीक है, इनका जो कोल बोलते हैं ना कि भाई हम लोग को कोल खरीदना है, ठीक है, तो वो जो कोल खरीदते हैं उसका प्राइस गिर चुका है, इसकी वजह से यहाँ पे इसका रेवेन्यू फॉल होता हुआ दिखाई दिया है। तो मान लो कि भाई कोल की प्राइस डिक्रीज हो चुकी है, तो उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो चुका होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे मोटा मोटा तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% से बढ़ के 10% आते हुए दिखाई दिया। आई बात समझ में? तो ये जो आपको रेवेन्यू फॉल हुआ है उसका टेंशन नहीं लेना है, कोल प्राइसेस डिक्रीज हुई है। ओके, फाइनल सर वर्डिक बता दो, अदानी एंटरप्राइज रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव? माइल्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव है डेफिनेटली, लेकिन माइल्ड, लिटिल बिट पॉजिटिव। ओके चलिए फाइनल पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखो मैं आखिरी बता देता हूँ पॉइंट, फिर लेवल्स बता देता हूँ। आखिरी पॉइंट ये है कि अदानी का जो मैनेजमेंट है, उन लोगों ने कुछ बयान दिए थे रिजल्ट आने के बाद, बोलते हैं ना कमेंट्री,
कमेंट्री दी थी, कमेंट्री काफ़ी तक पॉजिटिव है। इनका एयरपोर्ट बिजनेस ग्रो कर रहा है 27% से। इन लोगों का जो प्लान है, स्ट्रेटेजिक प्लान एक्सपांशन का, वो ऑन ट्रैक है, ठीक है, ऐसा अदानी ग्रुप ने बोला है। एंड इनका जो ऑस्ट्रेलिया से माइनिंग है वो भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब ज़्यादातर प्रॉपर वर्क है और एक्सपांशन ऑन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं जो आप लोग को फोकस करनी है। ओके, फाइनल वर्डिक्ट सर, लेवल्स बता दो, करना क्या है वो बता दो। देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अदानी पावर इतना जल्दी भागेगा नहीं, वर्टिकल मूव, ठीक है, सीबी की नज़र में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको फोकस करना है तो जैसे कि मैंने बोला, लेवल्स का फोकस करना 284 के आसपास। जैसे ही ब्रेक हो जाता है स्टॉक में, अच्छी खासी मूव आ सकती है, स्टॉक 300 350 जा सकता है। एंड रिटेल इन्वेस्टर को एक बात सबसे ज़्यादा फोकस करनी है, क्यों? देखो देखो, क्या अदानी ग्रीन, देखो रिकवर कितना हुआ, थोड़ा सा ही हुआ, लेकिन अदानी पावर कितना रिकवर हुआ, जहां से गिरा वहां तक पहुंच चुका है। यानी कि बड़े प्लेयर्स की नज़र ये स्टॉक में है, कौन से, अदानी पावर में। तो आप लोगों को भी अदानी पावर फोकस करना चाहिए। रिजल्ट भी बोल रहे कि मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, रिजल्ट भी बोल रहे मैं प्रॉफिट में हूँ, तो आपको अदानी पावर को सबसे हाई प्रायोरिटी पे देखनी है, ठीक है। ये सबसे कम पी पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, रेवेन्यू काफ़ी तक स्ट्रांग जनरेटेड है, ठीक है। अगर अदानी पावर का बस चले तो अकेला अदानी पावर जो 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिट, ठीक है, वो अकेला ऐसा हो तो मे बी फ्यूचर में क्या पता कि अदानी का कर्ज़ा ये अकेला चुका दे सब, ठीक है। खुद सोचो, एक एक क्वार्टर के अंदर 8,500 करोड़ का प्रॉफिट, कोई अदानी ग्रुप इतना प्रॉफिट नहीं जनरेट करती, इंक्लूडिंग अदानी एंटरप्राइज। तो मार्केट का लीडर कौन हुआ, अदानी पावर ना, ठीक है। तो बस उतना ध्यान में रखिएगा, अदानी पावर दम है बंदे में, क्लियर। तो फॉर मी इसको हाई प्रायोरिटी में रखना, बहुत जल्दी 400 टेस्ट करेगा। अगर बात करने जाए अदानी एंटरप्राइज की, तो इसके रिजल्ट माइल्ड पॉजिटिव है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा सकता है। लेकिन इसका ब्रेकआउट कब आएगा, सुनो ध्यान से, ब्रेकआउट कब आएगा, ब्रेकआउट आएगा 14th of August। सी ये रहा सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग कब है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, 14th of August को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, ओके। तो फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट केस का अपडेट होगा, उसी तरह अदानी ग्रुप में मोमेंटम आएगी। उससे पहले मेरे हिसाब से मोमेंटम जल्दी नहीं आएगी। तो आप बोलते ना कि सर रिजल्ट की मोमेंटम कब आएगी, रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं अदानी ग्रीन के, अदानी पावर के, अदानी एंटरप्राइज के, वो मोमेंटम कब आएगी? तो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट केस फाइनल आउटपुट आ जाए, बड़े प्लेयर्स वो सोच रहे कि आउटपुट आए तो हम लोग कोई मोमेंटम ले, हम लोग कोई स्टॉक में निवेश करें, क्लियर। तो स्टॉक में मोमेंटम कब आती है, जब बड़े प्लेयर निवेश करते हैं, और वो कब करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट केस के बाद, ओके। तो बस उतना ध्यान में रखना है, बाकी अभी के लिए मेरी सबसे मोमेंटम सभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, ओके। थोड़ी थोड़ी मूव आती रहेगी, जैसे कि एसीसी में आ रही है, मैंने आपको एसीसी भी बताया था, अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पावर तीनों बताए थे, क्लियर। तो बस ये फोकस करते रहेगा, जल्दी मोमेंटम आती हुई दिखाई दे सकती है। होप मैं बस आज का वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। फिर कोई क्वेरी रहती है कमेंट करते रहेगा, आपकी क्वेरी ज़्यादातर पार्ट टू में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। एंड टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़ेगा, फ्री BTST देते रहते हैं, जैसे कि मैंने IRFC आप लोगों को आज दिया, यस्टरडे माफ़ कीजिएगा, 2 दिन पहले IDBI दिया था, उसके टारगेट आज अचीव हो चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।